और ये फालतू की बकवास करनी है, लोग बंद कर दो। तो ना 40 ठेले वालों को हटा दिया, हर दिन अपना कुआं खोदते, उससे पानी निकाल के अपने घर ले। प्रदेश की सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, गरीब लोगों पे इतनी बड़ी व्यथा आ गई। पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार ये प्रताड़ित हुए आ रहे, इन्होंने पूरा शहर तोड़ दिया, इनको शर्म आनी चाहिए। सबका साथ सबका विकास वोटिंग उतारो, नारा बंद करो। विधायक जी के से मिलके बड़ा खुशी हुई यार। कमिश्नर साहब, एक 40 बेचारे ठेले वाले हैं, 20 साल से 10 साल से ठेला लगाते हैं डीपी कॉलेज का, और उनके व्यवहार से बहुत ही संतुष्ट हैं हम। हेलो दोस्तों, नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो की शुरुआत जो है, जो ठेले वालों पे यहाँ पर अत्याचार शोषण से लेके और उनको जगह से लेके उस तरीके का वीडियो होने वाला है। आज हम लोग यहाँ पर हैं उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी शहर के, हमारे हल्द्वानी के विधायक श्री सुमित हृदयेश जी के आवास स्थल पर हैं, जो हमारे हल्द्वानी के जो विधायक हैं उनके आवास पर हम लोग यहाँ पर आए हैं। किस लिए आए हैं? यहाँ पर कुछ दिन पहले ठंडी सड़क से जो ठेले हटाए गए थे, पूरे ठंडी सड़क से डिग्री कॉलेज से जो ठेले हटाए गए थे, उन ठेले वाले भाइयों के लिए रोजगार का संकट यहाँ पर खड़ा हो गया है। तो नगर निगम में गए, वहाँ पर कोई बात नहीं बनी, नगर निगम ने साफ ठुकरा दिया कि हम नहीं लगवा सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने, सारे जो ठेले वाले हैं इन भाई ने, यहाँ पर एक निर्णय लिया कि क्यों ना विधायक जी के पास जाया जाए और विधायक जी हमारे समाधान कुछ करेंगे, उसी से रिलेटेड वीडियो होने वाली है। तो आज विधायक जी से हम लोग बातें करेंगे, यहाँ पर विधायक आवास पर हैं, सुमित देव जी से सारा कुछ बताएंगे, किस तरीके का हल निकलता है, कहाँ जगह दी जाती है, सारा कुछ हम आपको यहाँ पर बताएंगे। बने रहना चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करना। तो अभी यहाँ पर विधायक साहब सभी लोगों की यहाँ पर समस्या सुन रहे हैं, उसके बाद जैसे ही इनका समस्या का यहाँ पर निदान हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जितने भी हमारे यहाँ ठेले वाले व्यापारी लोग हैं इस कमरे में यहाँ पर बैठे हुए हैं, और अभी जैसे वहाँ का तो बातें करेंगे वो भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। यहाँ पर सभी भाई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जैसे अभी सुमित विजय जी फ्री होते हैं तो क्या निष्कर्ष निकलता है और इनकी क्या मांग रही थी, सारा कुछ हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर ज्ञापन दिया जा रहा है, ठेला व्यापारी जितने भी हैं, मोहन देखिए आप यहाँ पर हो गया, वो नहीं आएंगे, हो गया नहीं आएंगे नहीं, तब फ्री में गिरुआ वाले भाई साहब। हाँ, यह यहाँ पर ज्ञापन दिया जा रहा है, आप देखिए माननीय हमारे विधायक जी के आवास पे। ऐसी रखना है, ऐसी रखना भाई, वीडियो भी तो करेगा। हाँ, एक मिनट सर, एक मिनट, वैसे तो ये आज कुछ फड़ वाले आए हैं, उनका कहना है कि हमारी फड़ उठा के ले गए और सीधे हवालात में डाल दिया, मतलब ये कोई क्रिमिनल नहीं है, अपराधी नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो आज जैसे समाधान भी नहीं आए, तो सर क्या इनके लिए आपने सोचा है, क्या करेंगे? देखिए, ये वो लोग हैं जो हर दिन अपना कुआं खोदते फिर उससे पानी निकाल के अपने घर ले। गरीब तबका, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, प्रदेश की सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, और जब इन गरीब लोगों पे इतनी बड़ी व्यथा आ गई तो कोई सरकार बिल्कुल सोई हुई, उन्हें कोई मतलब नहीं। ठीक है, मैंने मान लिया सम्मानित उच्च न्यायालय का कोई आदेश आया, वैकल्पिक व्यवस्था तो सरकार के हाथ में है और सरकार के पास पूरी लॉयर्स की इतनी बड़ी टीम है जो इस चीज को चैलेंज भी कर सकती है। अब आपने नगर निगम के नाम पे बिल्डिंग जोन मार तमाम चीजें करके पहले से इनको परेशान कर रखा था, पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार ये प्रताड़ित हुए आ रहे, तब भी ये शांत रह के अपना कुआं खोद के पानी ले जाते। आज आपने उनकी वो व्यवस्था भी छोड़ दी, फिर बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे, आजीविका कैसे चलाएंगे, घर गृहस्थी कैसे चलाएंगे, तो ये वैकल्पिक व्यवस्था तो देनी पड़ेगी। तो ये सरकार राज्य की सुई जो हुई है उसको जगाने का, ये मेरे पास है, मैं काम करता हूँ। लोकल फॉर वोकल का दम उठाया जाता है, ये सब नारे हैं, और स्ट्रीट फूड को लेकर इतना अभियान भी चलाया जाता है, अब यहाँ इतनी जबरदस्त लोगों ने देखिए, सबसे ज्यादा प्रशासन इसमें दोषी, जिले का प्रशासन, शहरी प्रशासन, फेलियर है इनका बहुत बड़ा। इन्होंने पूरा शहर तोड़ दिया, सोचिए पूरे बाजार में एकमात्र टॉयलेट था उसको तोड़ दिया, दोबारा बना रहे, ये तो इनका नियोजन है। मैं तो इनकी सोच पे, इनकी सोच को देख के सोचता हूं कि कैसे अधिकारी बने हुए हैं यहाँ पे, कैसी व्यवस्था ये लोग चला रहे। इनको शर्म आनी चाहिए कि गरीब तबका इतना परेशान है, इनको तो चुनाव लड़ना नहीं है,
ना इनको कोई तबादला, इनको कोई खतरा है कि किसी से इनका डेपुटेशन तो देना तुमसे हो रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी के, वो कुछ बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हम बोलेंगे, हम तो बोलेंगे हमारा कर्तव्य है। और हमारी सरकार में अगर ये हुआ होता, ये नहीं है कि हम राजनीति कर रहे हैं इनके नाम पर, हमारी सरकार में हुआ था तो तब भी इनके साथ घटना भी अगर देर होते वहीं बैठा हुआ होता ना। ये हमारी कांग्रेस की सोच है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और गरीबों के लिए देखिए, गरीब अगर प्रताड़ित और परेशान है तो सबका साथ सबका विकास वोटिंग उतारो, नारा बंद करो। और ये फालतू की बकवास करनी है लोग बंद करते तो बेहतर। कोर्ट का आदेश क्या है? एक थोड़ी सी बात सी मैं कह दूं सर, विधायक जी, सुमित जी, एक सेकंड। छोटी सी बात यह है कि हाईकोर्ट का आदेश जो है ठंडी सड़क का है, तो ये तो नहर पे लगा था, टेक्निकल पॉइंट तो एक ही है। ये आपको नगर निगम ने हटाया है? वो शादी वाले आए थे यार, वो तो बाप बेटे रोटी चलती रहे। कितने साल से लगा रहे हैं आप लोग? 20-25 साल से लगा रहे हैं। काल ठंडी सड़क में कोशिश का आपका जलेबी समोसा और अभी बिल्कुल ठेला इन्होंने जब्त कर रखा ना आपका? जब तो नहीं करा रहे, लेकिन आप कहाँ लगाए? इस्तीफा दे देना चाहिए अपनी सेवाओं से, IAS कहलाते अपने आप को। छोड़ो यार, नौ लोगों को रात में गिरफ्तार करके लेके गए थे और 24 घंटे के लिए अंदर रखा था और फिर एग्जाम कोर्ट से जमानत हुई उन सब लोगों की। कमिश्नर साहब, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? यार कमिश्नर साहब, एक ये आपको ना एक इंटरवेंशन करना पड़ेगा। ये 40 बेचारे ठेले वाले हैं, 10 साल से ना ठेला लगाते थे डिग्री कॉलेज के आमने सामने। माननीय उच्चतम न्यायालय का कोई हाईकोर्ट का आदेश आया होगा तो इनको ना 40 ठेले वालों को हटा दिया। अब ये कॉफी वाले भी हैं, चाय वाले भी हैं, पकौड़ी वाले भी हैं, राजमा चावल वाले भी हैं। अभी कोई वैकल्पिक व्यवस्था देनी पा रहा, नगर आयुक्त साहब का नंबर ले लिया तो मेरे पास आए हुए, तो मैंने कहा कमिश्नर साहब से कहता हूँ मैं रिक्वेस्ट, शनिवार को ठीक है, चलो शनिवार को तो आ ही जाएंगे आपके पास। भाई साहब इनका ना कुछ यार व्यवस्था करवा रहे यार, बाकी तो मुझे लग नहीं रहा है कि प्रशासन किसी लायक है कि उनसे बात करते हैं ना। आप परसों जाओ, व्यवस्था नहीं होगी भी मैं मिश्रा जी को भी मिलाऊंगा, मिश्रा जी का फोन नहीं लगूंगा, मैं बात करता हूँ, नहीं होगी तो फिर मेरे साथ चलना, मैं ही लेके चलूंगा, नहीं होगी बात तो ठीक है, मैं ही अधिकारियों को लेकर चलता हूँ और मैं करवाऊंगा ठीक है। 2 दिन का समय दे दिए, ठीक ठीक है भैया, ठीक है, कोई कमिश्नर अरे भैया 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ, 7-8 दिन, 7-8 दिन रुक जाओ, 2 दिन, परसों ही तो है शनिवार, आज बचपन है ना, एक दिन की तो बात है ठीक है। मंसूर ये फोटो हमारे मोबाइल पर, ये व्हाट्सएप कर देगा, जरूर देखिए ठीक है सब, ठीक है भैया, शनिवार को परसों मेरे को सुन, मेरे को जाना है, मेरी बेटी है तो मेरे को एडमिशन कराना है, तो अभी हम लोग विधायक जी के पास आए और क्या फैसला निकला हमारे स्वामी जी बताएंगे, कितना खुश हैं उनके फैसले से? मैं विधायक जी का धन्यवाद कहना चाहता हूँ। माननीय विधायक जी ने कुमाऊ कमिश्नर महोदय से बात की है और उन्होंने 12:30 बजे शनिवार का टाइम दिया है, तो शनिवार तक हम लोग धैर्य का अपना परिचय देते हैं और कमिश्नर साहब निश्चित तौर पर गरीब ठेला फड़ वालों के बारे में कोई ना कोई ठोस निर्णय निकालेंगे, क्योंकि इनके रोजी रोटी का सवाल है, इनके परिवार के भरण पोषण का सवाल है, इनके बच्चों की फीस का सवाल है, और अगर इन लोगों का ठेला फड़ नहीं चलेगा तो ये सब चीज़ें बाधित हो जाएंगी। तो कमिश्नर साहब की बात पर हमें पूरा भरोसा है निश्चित तौर पर, और कमिश्नर साहब के पास भी हम लोग शनिवार को जाएंगे और देखते हैं वो क्या सुझाव देते हैं, उनका क्या निर्णय होता है, उनका क्या निर्देश होता है, और निश्चित तौर पर कमिश्नर साहब गरीबों के हितों में बेहतर
प्रयास करते हैं तो कमिश्नर साहब के ऊपर पूरा भरोसा है, शनिवार को उनसे बात करेंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय निकलेगा। एक सवाल और है, जैसे वहाँ पर जो अभी करंट में ठेले लग रहे हैं, चाहे वो नए आए हैं या पुराने आए हैं, तो उसके बाद जब जैसे अगर वहाँ जगह देने की बात होगी तो उसके बाद सारे ठेले वाले भर गए तो उसमें आप क्या एक्शन लेंगे? जो पीड़ित लोग हैं उन जो अभी करंट में है वो तो ठीक है, जो लगा रहे बरसों से, जो अभी जिसका उठाया गया है वो तो लगाएंगे, फिर आने वाले समय में और ज्यादा घुस गए तो फिर उसको कैसे रोकेंगे? कोई भी आ जाएगा वहाँ पर पूरा, तो उसके लिए फिक्स जगह होगी कि कितने एरिया में कितने लोग लगाएंगे? लोग हैं और कोई भी ठेला लगा सकता है, ठेला लगाने में किसी को भी रोक नहीं होनी चाहिए, मेरा तो यही मानना है। अगर और गरीब लोगों का एक मात्र विकल्प ठेला फड़ी बसता है, छोटे जो व्यवसायी होते हैं, छोटे जो लोग होते हैं, उनके सामने रोजी रोटी चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए ठेला फड़ी ही लास्ट ऑप्शन होता, तो हम किसी को रोकने के लिए नहीं कहेंगे, जो भी लगाना चाहे उसको लगाने का मौका मिलना चाहिए। धन्यवाद। आप कितना खुश हैं सर विधायक जी से जो बात हुई तो? अच्छा, थोड़ा आस लग रही है यहाँ से? आस लग रही है, बिल्कुल आस लग रही है, कुछ हमारे लिए निकल जाए अच्छा सोल्यूशन तो अच्छी बात है, दो पैसा हम भी कमाएं, रोज के रोज कुछ ना कुछ करें, बस ये चीजें हैं। विधायक जी ने अच्छा आश्वासन दिया, बाकी कमिश्नर साहब की बात है, माननीय कमिश्नर साहब शनिवार को जाएंगे, जो भी हल होगा वो पब्लिक के हाथ में होगा। गुप्ता जी क्या कहना चाहेंगे सर, कितना खुश हैं विधायक जी से? थोड़ा आस लग रही है हमको, कल वहाँ से तो निराशा हुई हमको, बिल्कुल सभागार से ऐसा भेज दिया गया कि आप देखो हम कुछ नहीं कर सकते। लगता है विधायक जी के से मिलकर बड़ा खुशी हुई और उनके व्यवहार से बहुत ही संतुष्ट हैं हम, और उन्होंने जो आश्वासन दिया है जहाँ तक है 100% उम्मीद है कि शनिवार का जो माननीय दीपक रावत जी हमारे कुमायूं कमिश्नर हैं उन्होंने से बात होगी, उन्होंने बुला रखा है, और जहाँ तक है 100% वो हमको जरूर कोई ना कोई रास्ता बताएंगे। धन्यवाद। तो गाइस आज हमने आपको यहाँ पर जो भी ठेले वाले थे सारे भाई लोग यहाँ पर आए हुए थे, जो भी उत्प्रेरण के शिकार हुए थे, हमारे विधायक जी ने काफ़ी आश्वासन दिया है, और जो भी होगा जो भी व्यवस्था होगी उनको वैकल्पिक व्यवस्था देने की बात कही गई है। विधायक जी ने डायरेक्ट हमारे कुमाऊं कमिश्नर दीपक राउत जी से कॉल पर बातें करी, और उन्होंने शनिवार को जो उनका मिलने का जो रहता है, शनिवार को वो जन समस्या सुनते हैं, तो शनिवार को 12:30 बजे हमारे दीपक राउत जी के आवास पर सभी ठेले वालों को हमारे भाई लोगों को वहां पर बुलाया है, तो वहां जाके अभी क्या फैसला होता है, किस तरीके का निर्णय होता है वो हमारे दीपक राउत जी बताएंगे, और हमारे बीच में हमेशा मतलब हृदय जी भी बने रहेंगे, अगर वहां से भी नहीं होता है तो आगे की कार्रवाई क्या होती है वो भी हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो कैसे लगी जरूर बताएगा। सभी भाई लोगों से अनुरोध है कि आप शनिवार को जो भी इस ठंडी सड़क के एरिया में ठेला लगाते हैं वो लोग यहाँ पर आए ज्यादा से ज्यादा और अपनी समस्या हमारे कमिश्नर साहब जी को बताएं। तो इसी बातों को विराम देता हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत से लोगों का ये भी कमेंट है कि ठेले हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ, गंद मचा रखी है, ये कर रखे करके। अगर ठेले वाले गंद मचा रहे हैं तो आप लोग भी तो ठेले में खाने के लिए आते हो ना, तो अब शहर में इतना महंगा फूड रेस्टोरेंट में आप सभी लोग नहीं खा सकते हो, तो उनकी भी व्यवस्था होती है। पूरे भारतवर्ष में ठेले लगते हैं, वेंडर जोन बनता है, पूरे भारतवर्ष की बात मैं जहाँ करूँ, दिल्ली से लेके मुंबई से लेके मुंबई में मैं खुद रहा हूँ, खुद मैंने वहाँ पर ठेले फड़ लगते हुए देखा। जो भी बातें होंगी वो शनिवार को होंगी, और जो भी कमेंट कर रहे हैं कि बिहार इस तरह से गंदगी मचा रहे हैं, उनका साफ सफाई भी है, सभी लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो इसके साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अभी क्या होता है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।